तो दोस्तों एक चीज आप ख्याल कीजिए, यहाँ पे ये जो हाथों के तराजू में चला जाता है, ठीक है, पूरा किताब है इसमें, इसमें सारा पेज है, जितना पेज इस किताब में है, इस किताब में देखिए 106 पेज है, इतनी बड़ा किताब, और एक किताब देखिए इसमें भी 106 है। थोड़ा रख के आपको नंबर दिखा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 106 पेज है, एक किताब और एक किताब एक ही है, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा किया हुआ है, फोटो कॉपी करके इसको छोटा बनाया गया है। उसमें जो है इसमें वही भी है, एक ही चीज है, इसमें 106 पेज है। इसमें भी 106 पेज है। तो देखिए ये ठो पॉकेट में भी, मानी बैग में भी लेके कहीं पे आप अपना बड़ा किताब का अल्टरनेट इसको यूज कर सकते हैं, कहीं पे ले जाके, तो आपको परेशानी नहीं होगा। आप कहीं पे जर्नी कर रहे हैं, हाथों के तराजू पे रख के इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इतना क्लीन है, बहुत सा क्लीन लिखाई है इसके अंदर, जो आप पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल क्लीन पिक्चर है, कोई भी पेज देखिए बिल्कुल क्लीन है। ये फोटोकॉपियर मशीन से बनाया गया हुआ है, तो फोटोकॉपियर मशीन से आप भी कर सकते हैं, इतना छोटा सा किताब, हर किताब को इतना छोटा छोटा करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो जरूर सबसे शेयर कीजिए, ताकि आपका आइडिया मिले, इसी आइडिया से खुद को सब जगह पे किताब बना के यूज़ कर सके, तो इससे आपका भी फायदा है, और जो देखेगा उसका भी, जो बनाएगा उसका भी फायदा है, सबके लिए बेटर है, एकदम बिल्कुल तराजू में चला जाएगा। इतना बड़ा किताब, लेकिन ये किताब बहुत सा बड़ा है, बहुत, इतना पेजेस है, बहुत पेजेस है, लेकिन उतना ही पेजेस इसमें भी है, लेकिन इतना छोटा किताब है, जो तराजू में लेके कहीं पे जा सकते हैं, पॉकेट में लेते हैं ले सकते हैं, मानी बैग में ले सकते हैं, सब में लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे माइक्रो फोटोकॉपी करके, मिनी जेरोक्स करके, परसेंटेज में कमा के इसको अब किताब बना के यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी, बहुत आसान है। किताब बनाना भी आपको दिखा देंगे कैसे बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नहीं खुलेगा, यानी बिल्कुल इसके अंदर से आप पढ़ सकते हैं, किसी भी पेज में एकदम खुलने का कोई डर नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस सिस्टम से यूज़ कीजिए, कस्टमर के बोलिए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग आके आपसे ये काम कराए, इसमें आपका भी बहुत फ़ायदा है, और कस्टमर तो पैसा देगा ही, तो फायदा ही फायदा है। तो इसमें कितना खर्च हुआ है ये जान के आप हैरान हो जाएंगे, तो इसीलिए हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो फोटोकॉपियर की दुकान है वो जानता है इसमें कितना खर्च हो सकता है, लेकिन जो फोटोकॉपी करने आएगा उसका जो रेट है उसी हिसाब से लीजिए, एक्स्ट्रा चार्जेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपका चार्जेस है पर पेज का उसी हिसाब से आप लीजिए। अगर आप मिनी फोटोकॉपी जो रेट है उस हिसाब से देखा जाए तो इसका कीमत बहुत होगा, तो वही मिनी जेरॉक्स के हिसाब से ही आप रेट लीजिए, वो भी कोई भी कस्टमर वो रेट देगा, वो हिसाब से आप काम कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अगर सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो और भी अच्छा आपको हम दे सके, अप टू डेट आपको रखने के लिए नए नए कुछ वीडियो हम आपको आपके लिए डालते रहेंगे।